न्यूज, मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी महिला थाना पर, और महिला थाना पर जो आरोप लगाया गया है एक ऑटो चालक के द्वारा कि महज भाड़े के 200 रुपया महिला थाना के तरफ से नहीं दिया गया, जो महिला थाना की एक पुलिस कर्मी यहाँ महिला थाना से पुलिस लाइन गई थी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम ये साई रामावती है। ठीक है। अच्छा, जिस दिन आप ऑटो पर गई थी उस दिन क्या हुआ था? हमको एसपी साहब का आना था पुलिस लाइन में, तो मेजर साहब ने बुलाया कि आप जल्दी आ जाइए, और मेरा तबीयत भी काफी खराब है, अभी भी खराब है। तो हम एक ऑटो 200 में रिजर्व किए, वो बोला कि 200 से कम नहीं लेंगे। तो हम बोले कि मेरा जरूरत है, जैसे साहब से हमको बात करना है, मिलना है, तो हम जाएंगे ही, अब जो भी लेगा, कह के चले गए। अब वहाँ जाके देख, हम पैसा देख रहे हैं, तो हम जल्दीबाजी में गए, तो मेरे पैकेट में 200 पैसा नहीं था, 80 रुपया मात्र था। तो उसको हाथ में दिए हम, फिर हमको हाथ से, अपना हाथ से मेरे हाथ में लौटाया और बोला कि हम आपको अपना सहानुभूति दे रहे हैं मैडम, कि आप कैसे लौटिएगा, पैसा इतना नहीं है तो। अच्छा। से आप ले लीजिए पैसा। तो हम बोले कि हमको तुम पहचानेगा? हम तुमको नहीं पहचानेंगे, काहे कि ऑटो वाला ज्यादा रहता है, हम उतना नहीं पहचान पाएंगे। तो तुम हमको खुद महिला थाना में आके पैसा ले लेना। तो महिला थाना में आया, तो एक दिन आया तो हम नहीं मिले। अब दूसरे दिन आया तो हम अंदर में थे, उसके बाद में बाहर निकले और देखे कि हम गए थे इस चीज के साथ। तो बोला पैसा के लिए आए हैं मैडम, तो हम लो तुम्हारे 200 पैसा, हम 500 आम वाला से भंजाए और 200 रुपया उसको। मतलब आपके पास चेंज नहीं था तो आप आम वाला से 500 रुपया का चेंज करवाए, तब उसको 200 रुपया दिए? 200 रुपया दिए। फिर भी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप उसको 200 रुपया नहीं दिए, एक थप्पड़ भी, दो थप्पड़ मारी? कुछ नहीं, उसको छुबे तक नहीं, कुछ नहीं किए हैं थाना में, उसको कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, आपका तो तबीयत भी खराब है। हाँ, तबीयत भी खराब है, इसीलिए हम उसको 500 रुपया आम वाला से भंजाए और 200 रुपया लाख उसका हाथ में ले नहीं रहा था, उसका मुट्ठी में लेके हम मुट्ठी का स्वाद दिए। पैसा दिए तो साइन भी आप करवाए थे? हाँ, साइन करवाए थे प्रूफ के लिए, वो नहीं ले रहा था इसीलिए साइन करवाए। लिखित तो नहीं जानते हम, लिखने नहीं साइन करने जानते हैं, तो उसका अंगुली का निशान दिलाए, फिर साइन हम लोग किए। अच्छा, वो हमको बोला हमारे चैनल में कि मैडम हमको, हम अनपढ़ है, लेकिन फिर थाना में आकर कहता है कि उसके नेम प्लेट पर RA लिखा हुआ है। साइन करवा रहे हैं तो हम पढ़े लिखे नहीं है बोल रहा है, और मेरा नेम प्लेट कैसे पढ़ लिया, वो साइन तक नहीं किया, अंगूठा का निशान लगाया। अंगूठा का निशान? हाँ, अंगूठा का निशान। अच्छा। ऑफिस में बैठे थे तो मैडम ने खुद हमको बुला के पैसा दिलाया। चलिए, आप उनको पैसा दे दिए, उसको कोई कुछ नहीं, थोड़ा सा छुआ भी नहीं, कुछ नहीं कुछ किया है। हम लोग क्यों मारपीट करेंगे मैडम, क्यों मारपीट करेंगे, वो तो खुद हमको बुला के पैसा दिलाए। अब देखिए कि ए मैडम है रामावती भगत, बताइए कि मैडम हम लगभग 3 सालों से जान रहे हैं, चेहरा से जानते हैं, लेकिन इनका कभी भी हम नेम प्लेट नहीं पढ़े हैं। लेकिन इनका जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमको पता चला है कि वो लड़का जो था सो इनके नेम प्लेट के बारे में बता रहा था कि उनके नेम प्लेट पर RA लिखा हुआ है, जबकि हम उसके पास जब पहुंचे, बहुत 4 दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, मैडम आप कब आके इंटरव्यू लीजिएगा, मैडम आप कब आइएगा, कब आइएगा। हम जब वहां पहुंचे तो उसका कहना हम अंगूठा छाप है, और 2 आदमी से जबरदस्ती पकड़वा के मैडम हमसे अंगूठा दिलवाई और हमें 200 रुपया नहीं दी, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिसे चेंज भी करवाई थी मैडम पैसा, वो भी आदमी कह रहा है कि नहीं मैडम उसको पैसा दी। और देखिए, वो बीमार आदमी है, बीमार है लगभग 3 से कितना दिनों पर आप आई है? हम 10 महीना पर आए हैं। 10 महीना पर लौटी है, अब बताइए उस जवान लड़का को थप्पड़ भी मारेगी तो इनका अपना ही हथवा टूट जाएगा। महिला थाना पर आप चाय लेके आए हैं? पैसा मिला है? हाँ, पैसा मिल जाता है। चाय आज लेके आए हैं तो अभी मिला है पैसा? हाँ, अभी मिला है, हाथ में रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे है। अब हम पहुँचे हैं महिला थाना के बाहर, जहाँ पर लोग आम बेच रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। अब जानते हैं कि महिला थाना पर जो आरोप लगा है उसको देखते हुए कि इन लोगों से जो सामान वो खरीदती है उसका पैसा देती है या नहीं। क्या महिला थाना पर से कभी आम खरीदाया है? खरीदाता पैसा देते हैं। खरीदाता है?
पैसा देती है कि नहीं देती है? कभी ऐसा हुआ है कि पैसा नहीं दी है? कभी नहीं, कभी नहीं। हाथ के हाथ, हाथ के हाथ। आप के लोग आपसे आम खरीदते हैं? जी खरीदते। पैसा देते हैं कि नहीं देते? देते हैं जी। देते हैं। चलिए ये लोग का तो आज तक पैसा महिला थाना के द्वारा पहुँचाया नहीं गया है, सारे सामान वाले हैं। कभी आम खरीदा महिला थाना पर? ना कभी का काम लिया नहीं लिया है? आम ना लिया। अच्छा, कभी सुने हैं कि किसी का पैसा नहीं दी है? ना सब गलत बात ना सुने। गलत बात है। चलिए हम चलते हैं ऑटो चालक के पास। अभी थाना के अंदर कुछ आपके इस ठेले से गया है? नहीं, केला वाला नहीं खरीदती है? ना महिला थाना के मैडम से नहीं खरीदती है? कुछ नहीं खरीदते है केला? कहियो नहीं खरीदते है। अच्छा, कभी सुनने में आया है कि वो लोग पैसा किसी का नहीं देता है? नहीं, नहीं सुनने में आया है। वो लोग कैसे है विचार के? बढ़िया बढ़िया है। सुने में आया है लोगों को मारती भी है? नहीं, हम लोग को तो नहीं मारती। नहीं मारी है? एक दिन था इसलिए टेम्पो नंबर में लगले रहे ना, तो कहीं किसी उठाना बताम थाना के लावे लगे, बोले ना छुट्टी नहीं है, चलो चलो। कौन सी लाने के लिए? मतलब बड़ा खाली करता है ना वो सामान मान लाने के लिए। अब सवारी करी हम सब के लंबर लेके, चलो चलिए जल्दी हमारा काम है, तू चलेगा कैसे? नहीं खाली करी तो नहीं जाएगा। हम बोले नंबर लगा हुआ है, 50 रुपए लेता तो नंबर लगाते है। हम ना गेली हम। अच्छा, तो क्या फ्री में कहती थी जाने के लिए? ना पैसा में जाने के लिए कहती थी, मगर हमारा छुट्टी नहीं था। महिला थाना पर कुछ सामान जाता है कभी? क्या खाने के होता था, आधा किलो किलो खरीदती है? तो खरीदती है ना? तो पैसा देती है कि नहीं देती है? पैसा देती है, देती है। अच्छा, उस पर मैडम पर आरोप लगा है कि एक ऑटो रिक्शा वाला को पैसा नहीं दी है, तो आप लोगों को पैसा कैसे देती है जब ऑटो वाला को नहीं दी तो? नहीं, हम मुझे खुदरा भराने की उनकी इच्छा हुआ तो 500 खुदरा हम दिए। अच्छा, कब खुदरा कराई थी? लगभग आज हो गया 4-5 दिन हो गया। अच्छा, 4 दिन हो गए। क्या बोली थी मैडम? कि 500 खुदरा दीजिए। क्या करना है? रिक्शा वाले को देना है, किसी को देना है? अच्छा, बोली थी कि हमको खुदरा दीजिए, रिक्शा वाला को देना है? किसी को देना है। अच्छा, खुदरा दे दी उनको? दे दिए। रिक्शा वाला आरोप लगाया है कि उसको मैडम मारी थी और पैसा भी नहीं दी। नहीं, ये गलत बोला है। आप लोग एक रहने वाले हैं? यहाँ महिला थाना के लोग कैसन है? ठीक है। क्या ऐसा है कि वो लोग किसी से पैसे कुछ ले लेती है, पैसा नहीं देती है? नहीं, पैसा सबको देती है, सामान लेती है पैसा देती है, बिना वजह किसी को परेशान करती है? नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, आपका क्या कहना है? ठीक है, झूठ बोल रहा है रिक्शा वाला, 200 रुपया कैसे मांगेगा, क्या चीज कमाएगा? अच्छा, यहाँ से पुलिस लाइन का कितना किराया है? यहाँ से पुलिस लाइन का होगा 40 रुपया। 40 रुपया? तो 200 रुपया कौन सी का मांग लिया? वही जो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज का रंगदारी मांग रहा है कि क्या मांग रहा है। तो रिक्शा वाला पुलिस वाले से 200 रुपया मांग रहे हैं, फिर भी वो 200 रुपया दे दी, फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि दिए नहीं है। इनका कहना है कि हम 200 रुपया दे दिए। एक आम वाला कह रहे हैं कि हम 500 का चेंज दिए, 200 रुपया दिए, लेकिन ऑटो वाला का कहना है कि हमको पैसा नहीं दिया। गलत है, ऑटो वाला गलत है जी। अच्छा, महिला थाना के द्वारा आप लोगों को कभी मारा गाली दिया? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप सब इसी जगह के? कभी महिला थाना के द्वारा परेशान किया गया है? नहीं नहीं, हम लोग बगल के पड़ोसी हैं। कभी ऐसा कुछ देखे हैं कि महिला थाना के द्वारा आप लोगों को परेशान किया गया किसी को? नहीं। आप लोगों का क्या कहना है महिला थाना के द्वारा? नहीं, अभी ठीक, अभी मैं परेशान तो नहीं करती है। ऑटो वाला उन पर आरोप लगाया पैसा नहीं दिए, क्या कहते हैं? नहीं नहीं सर, ऑटो गलत बात है। ऑटो वाला गलत बोला है? गलत किया, कदम दे दिए है कि एसपी सर को कि जो ये हमसे 200 रुपया हमको नहीं दिए। हालांकि उनका कहना है कि 40 रुपया किराया है, फिर भी 200 मांगा ही दे दी क्योंकि इमरजेंसी में थी। वो गलत किया, गलत किया है। महिला थाना के ऊपर जो आरोप लगा है एक ऑटो चालक को जो भाड़े के लिए मारने के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? जैसा मैंने जांच करवाया, पता लगा कि वो चेंज कराने गई थी, चेंज करा के बकायदा उसको पैसा दे दी है। ASI है रमावती जी, तो और उसने उसको पैसा दे दिया गया है। ऑटो वाला ना आज तक हमसे मिला है, आकर के हम लोग डेली बैठते हूँ, मिल भी नहीं रहा, और ये इस तरह का क्यों कर रहा है इसकी भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। वो किसी से कह रहा है कि हमने आवेदन भेज दिया है, और फिर वहाँ पे भी मैंने महिला थाना पर से बात की तो स्पष्ट बताई कि
सर वो पैसा उसके पास चेंज नहीं था तो बोली दे रहे हैं और इसी में फिर वो पैसा दे भी दी। वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और किसी रिक्शे वाले का किसी गरीब का कोई पैसा नहीं रख सकता है ऐसे करके, और अगर ऐसा होता तो हम लोग निश्चित तौर पे कार्रवाई करते हैं। सर ऑटो चालक का कहना है कि मैडम पैसा देने के लिए तैयार है पर थाना प्रभारी उसको दो थप्पड़ लगाई है और वो पैसा नहीं दे रही और जबरदस्ती अंगूठे का साइन ले ली है। ऐसा है कि थाना प्रभारी ने अंगूठे का साइन ले लिया तो हम भी लिखवा लिया, क्या लिखवा लिया, वो आकर के आज तक एक बार हमसे मिल करके बताएगा भी तो कि उसकी क्या समस्या है। आज तक मेरे पास नहीं आ रहा है वो, उसको ये भी कर रहे हैं, थाना प्रभारी से पूछे तो उसको बकायदा पैसा दे दिया गया है, वो भूल कर ये कह के चेंज कराने गई थी उसमें फिर ला के उसको पैसा दे दी हैं। उसको अगर नहीं है तो जो सामने है सामने कर कर आए, और वो बहुत ही सीधी साधी पुलिस ऑफिसर हैं रमावती जी जो हैं, बहुत ही वो इस तरह का कार्रवाई इस तरह का कोई जानबूझ करके नहीं कर सकती।